तो इसमें क्या है इस क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज कैन थ्री प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फोर बॉयज व्हेन नो बॉय गेट मोर देन वन प्राइज, एक लड़के को एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिला, ठीक है। तो इसको कैसे सोचोगे बताओ, जो हमारा पहला प्राइज है वो किस, चार ऑप्शंस हैं, चार में से किसी एक बच्चे को मिल गया, नेक्स्ट के लिए थ्री, नेक्स्ट के लिए थ्री, इनमें से एक प्राइज चार में से किसी एक बच्चे को मिल गया। अब दूसरे प्राइज देने के कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास बोलो, थ्री, और तीसरा प्राइज देने के कितने ऑप्शन, तो टोटल 24 वेज। मैंने प्राइस मैंने क्या लिख लिए जानबूझ के समझाने के लिए कि एक प्राइस सपोज रेगुलरिटी का है, एक क्वेश्चन सॉल्विंग का है और एक अटेंटिव है बच्चा उसका। तो पहला क्वेश्चन है कि नो बॉय गेट्स मोर देन वन प्राइस, एक लड़के को एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इनमें से एक प्राइस जो पहला प्राइज है उसे देने के चार रास्ते हैं, चार में से किसी एक लड़के को मिल सकता है। जैसे ही एक को मिला तो जो दूसरा प्राइज है, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करनी, फिर एक को जिसको मिल गया उसको दोबारा नहीं मिलेगा, तो दूसरा प्राइज देने के कितने रास्ते हैं, तीन। फिर एक को मिल गया एक और को, तो तीसरा प्राइज देने के कितने रास्ते हैं, दो। तो टोटल रास्ते हो गए 24। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। ए बॉय गेट्स एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, यहां पे क्या है, जो पहला प्राइज है सपोज वो रेगुलरिटी का प्राइज है, चार में से किसी को मिल सकता है, और दूसरा चार करेंगे, चार ही करेंगे क्योंकि एक बच्चे को एक से ज्यादा भी स्पेशल दिया हुआ है, फोर। तो फोर की पावर थ्री या 64, कई बुक्स में ना 64 वेज आ गए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कई बुक्स में ना डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूले से ज्यादा आप अंडरस्टैंडिंग करो इसकी, ये 64 कैसे आया, ठीक है। यानी एक एक ही लड़के को आप तीनों प्राइस भी दे सकते हो, ऐसा पॉसिबल है, तो ये याद रखना आप बस। और